नमस्कार, जे एनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। हादसे में हुई युवक की मौत, मोहल्ले वालों ने किया रोड जाम। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में कल शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद आज सुबह चांदमारी इलाके के गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि शहर से सटे कल्पीपारा इलाके में टोल प्लाजा बनने के बाद से भारी वाहन टोल से बचने के लिए चांदमारी मोहल्ले से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। कल इसी के चलते हादसे में एक युवक की जान भी चली गई। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन को इस संबंध में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंगा। गुस्साए लोगों के सड़क जाम करने के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद बड़ी मशक्कत से जाम छुड़वाया गया। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट। जाम करने के हमारे चार बिंदु हैं। प्रथम बिंदु तो ये है, कल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसके संबंध में पहले से ही हम लोगों ने ज्ञापन इसका आदरणीय सभासद जी ने जिलाधिकारी महोदय को दे रखा था। कथन ये था कि इधर से भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित हो, जो शासन के कानों में जुए नहीं रहेंगे। और कल वो घटना हो गई कि बच्चा किसी के घर का, जवान बच्चा खत्म, किसी के घर का चिराग बुझ गया और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंततः हम लोग यही चाह रहे हैं कि भारी वाहनों का प्रवेश इस पे पूर्ण रूप से निषेध हो। टोल टैक्स बना है, टोल टैक्स पे सरकार की जिम्मेदारी है कि उधर से सब हैवी वाहनों को भेजे और ना कि इधर से भेजे, जिससे हम आमजनों को, हम मोहल्ले वासियों को परेशानियों का सामना करना। जहाँ का मुख्य मुद्दा था, उसमें हाइट गार्ड के आर्डर पहले दिए जा चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि 5 दिन में हाइट गार्ड लग जाएगा। शेष जो इनकी मांगे हैं उस पर विधिक कार्रवाई की।